आज के अखबार में आया है कि दो पाकिस्तानी भारत में आए, उन्होंने फर्जी आधार बनाया, फर्जी राशन कार्ड बनाया, बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, वोटर आईडी बनवाया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाया और भारत की सेना में भर्ती हो गए। मैं बार बार कह रहा हूं, ये भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए कैंसर जैसा है, सनातन धर्म के लिए कैंसर जैसा है। ये जो दोनों पाकिस्तानी आए हैं, इन्होंने पैसा दिया आधार बनवा लिया, पैसा दिया राशन कार्ड बनवा दिया, पैसा दिया बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया, पैसा दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, पैसा दे के वोटर आईडी बनवा लिया, पैसा दे के दो मिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लिया और क्या पता बाद में पैसा दे के सेना में भर्ती हो गए होंगे, क्योंकि सेना में भी 5 से 10 लाख रुपए दे के सिपाही की भर्ती होती है, माली की भर्ती होती है, सिपाही जो सेना में नीचे लेवल की जो भर्तियां होती है वहां पैसा चलता है, सीआरपीएफ में पैसा चलता है भर्ती में, बीएसएफ में पैसा चलता है भर्ती में, पुलिस में पैसा चलता है भर्ती में और अब तो सेना में भी चलता है। इस भ्रष्टाचार का ही कारण है कि पाकिस्तान के ही नहीं, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग भी भारत में आते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए भी बॉर्डर पे 2000 रुपए देते हैं, अंदर घुस जाते हैं, अंदर आते हैं 2000 रुपए में राशन कार्ड बनवा लेते हैं, 2000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, 2-3 हजार रुपए में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, 2-3 हजार रुपए में वोटर आईडी बनवा लेते हैं। रोहिंग्या घुसपैठिए भी यही कर रहे हैं। भारत के अंदर जो मजारे बनती हैं, थानेदार को 1 लाख रुपए एडवांस में दे देते हैं, वो कहता है ठीक है जाओ रातों रात मजार बना लो, थानेदार को 1 लाख रुपए दे देते हैं, बोलते ठीक है जाओ रातों रात दरगाह बना लो। जासूसी का मूल कारण भ्रष्टाचार है, पैसे के लिए लोग जासूसी कर रहे हैं, पैसे के लिए लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बना रहे और ये जो डॉक्यूमेंट बना रहे भ्रष्टाचार पैसा लेके, उसका मूल कारण है कानून घटिया है। सिंगापुर में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने पे आजीवन कारावास और फांसी की सजा होती है। अगर आपने सिंगा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसी को फर्जी बना के दे दिया, कम से कम 50 साल की सजा और फांसी का भी प्रावधान। हमारे देश में पिछले 75 साल से करोड़ों फर्जी डॉक्यूमेंट बन चुके हैं, करोड़ों फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी पासपोर्ट, फर्जी वोटर आईडी, आज तक किसी को सजा ही नहीं हुई, सजा नहीं हुई इसलिए सब फर्जी वाला चलता जा रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, दल गुलामी छोड़िए, नेताओं की चमचागिरी छोड़िए, अपने घर के लिए छुट्टी करते हैं, शादी विवाह के लिए छुट्टी करते हैं, कहीं घूमने जाना होता है छुट्टी करते हैं, दोस्तों की शादी के लिए छुट्टी करते हैं, रिश्तेदारों की शादी के लिए छुट्टी करते हैं। अरे 1-2 दिन देश के लिए छुट्टी करिए भाई, कम से कम महीने में 1 संडे देश के नाम करिए। और देश के नाम में करना क्या है, 1 दिन संडे को सीधे सीधे सब लोग ग्रुप बनाइए, सांसद क्या पहुंचिए, सांसद से पूछिए कि यह फर्जीवाड़ा कब रुकेगा, फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी वोटर आईडी जो बन रही है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बन रही है, ऐसे लोगों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और इनको आजीवन कारावास देने के लिए कानून कब बनेगा। एक दिन अपने सांसद से मिलकर पूछिए कि घुसपैठियों की, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी यहां रह रहे हैं, 5 करोड़ से ज्यादा रह रहे हैं, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और उनको आजीवन कारावास देने के लिए कानून कब बनेगा। यह कानून बनते ही 80% घुसपैठिया खुद भाग जाएंगे। याद रखिए, भ्रष्टाचार देश के साथ देशद्रोह जैसा है, भ्रष्टाचार मक्कारी है, भ्रष्टाचार गद्दारी है। भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार दो ही तरीके से खत्म होगा, पहला भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित किया जाए, दूसरा भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए, क्योंकि राष्ट्र के जो समक्ष जितने खतरे हैं उसका मूल कारण भ्रष्टाचार। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है माओवाद नक्सलवाद, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए माओवाद नक्सलवाद खत्म हो जाए। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है अलगाववाद कट्टरवाद, भ्रष्टाचार खत्म करिए ये भी खत्म हो जाएगा। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है घुसपैठ,
रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ, भ्रष्टाचार खत्म करिए, घुसपैठ खत्म हो जाएगी। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, देश के साथ जासूसी लोग करते हैं, जासूसी किस लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं। भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बनाइए, जासूसी बंद हो जाएगी। आखिर जो समस्याएं भारत में है वो सिंगापुर में नहीं है, उसका मूल कारण है उनका कानून अच्छा है। जो समस्याएं भारत में है, आखिर चीन में कोई घुस के फर्जी डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बनवा लेता, आखिर चीन में कोई घुस के चीन की सेना में भर्ती क्यों नहीं हो जाता जैसे भारत की सेना में लोग भर्ती हो जा रहे हैं। ये रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए चीन में क्यों नहीं चले जाते, अमेरिका क्यों नहीं चले जाते, सिंगापुर क्यों नहीं चले जाते, भारत में क्यों आते? क्योंकि यहां हमने झूठे मानवाधिकार के नाम पे घटिया कानून को जिंदा रखा हुआ है, घटिया कानून को कंटिन्यू किया हुआ है। ये कानून बदलने के लिए जरूरी है, पहले जो घटिया कानून खत्म हो। इसलिए मैं बार बार डिमांड कर रहा हूं, अपने अपने सांसदों से मिलकर पूछिए 1950 से पहले बने कानून कब खत्म होंगे। अब तो संसद भवन भी नया बन गया है, जब नया संसद भवन बन गया है, अंग्रेजों का संसद भवन खत्म हो गया है, तो अंग्रेजों का कानून क्यों चल रहे हैं? क्यों नहीं 1950 से पहले बने सारे कानूनों को खत्म हम कर रहे हैं? क्यों नहीं 1860 का इंडियन पिनल कोड खत्म कर रहे हैं? क्यों नहीं 1861 का पुलिस एक्ट खत्म कर रहे हैं? 1872 का एविडेंस एक्ट खत्म कर रहे हैं? एक बात याद रखिए, डॉक्टर की बातों से बीमारी ठीक नहीं होती है, डॉक्टर की अच्छी दवा से बीमारी ठीक होती है। दवा घटिया होती है तो बीमारी बढ़ती है, ऐसे ही कानून घटिया होता है, अराजकता बढ़ती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, अपराध बढ़ता है। और ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। अगर जो समस्याएं भारत में है वो चीन में नहीं है, इसका मतलब कानून बना के उनको भारत में खत्म किया जा सकता है। जो समस्याएं भारत में है वो सिंगापुर में नहीं है, इसका मतलब सिंगापुर वाला कानून अगर भारत में लागू कर दे तो भारत में भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जो समस्याएं भारत में है अगर अमेरिका में नहीं है, इसका मतलब अगर अमेरिका जैसा कानून भारत में बना दे तो समस्या खत्म हो जाएगी। और भारत राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, महावीर की धरती है, बुद्ध की धरती है, परशुराम की धरती है, भगवान विष्णु की धरती है, भगवान शंकर की धरती है, इसके बावजूद यहां भ्रष्टाचार अपराध कम नहीं हो रहा। जापान में तो कोई भी देवी देवता नहीं पैदा हुआ, इसके बाद भी वहां ईमानदारी है, भ्रष्टाचार नहीं है। जापान में कोई धर्मगुरु महामंडलेश्वर शंकराचार्य नहीं है, इसके बाद भी वहां ईमानदारी है, भ्रष्टाचार नहीं है। इसका मतलब महामंडलेश्वर जगतगुरु शंकराचार्य, इससे भ्रष्टाचार का संबंध नहीं है। भ्रष्टाचार खत्म होता है कानून से, नेताओं से नहीं, बतोलेबाजी से नहीं, भाषणबाजी से नहीं, तूतू मैमे से नहीं, आरोप प्रत्यारोप से नहीं। भ्रष्टाचार खत्म होता है कानून से। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए, 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, और जिसके पास आय से अधिक संपत्ति मिले, बेनामी संपत्ति मिले, वो 100% जब्त करके उसको आजीवन कारावास फांसी के लिए कानून बनाया जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, इस वीडियो को 10 लोगों को जरूर फॉरवर्ड करिएगा।